हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है 29 सितंबर, तो आज है ब्रेथ। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है हर एक मदर्स के लिए, बिकॉज आज है पोज्योतिया, जो कि हर एक माओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। सो गाइस, मैं पिछले 7 सालों से ये व्रत कर रही हूँ, सेजू के लिए और साक्षी के लिए भी मैं करती हूँ। आज का जो व्रत है पोज्योतिया, इसमें कुछ खाना पीना नहीं करते, एक दिन के लिए पूरा निर्जला व्रत रहता है हमारा। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाली हूँ मैं अपने घर पर पोज्योतिया कैसे सेलिब्रेट करती हूँ, तो जरूर एंड तक देखिए। सो गाइस, ये पूजा रात को होता है, 7-7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो घर का सारा काम अभी बाकी है। सो गाइस, अभी सेजू का क्लास शुरू होने वाला है और मैं जा रही हूँ अपने घर का काम करने, तो आप एंड तक जरूर देखिए। तो गाइस, सेजू का क्लास शुरू हो गया है, 8 AM से लेके 10 AM तक उसका क्लास रहता है। तो साक्षी रोज ऐसे ही आके सेजू के साथ प्रेयर करती है, और उसे भी ऑनलाइन क्लास करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो उसके लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो रोज़ ऐसे आके ना सेजू के साथ प्रेयर करती है। तो प्रेयर, चलिए ये लोग को प्रेयर करने देते हैं, हम चलते हैं किचन। तो अभी काम बाकी है, नूतन अपना मतलब लंच का तैयारी कर ली है आधा, और मैं इधर अभी दाल में छौंक लगाऊंगी। तो आज हमने कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाए हैं, बस दाल चावल, और उसके साथ हमने बनाया है एक टमाटर का चटनी और पापड़ और कुछ चिप्स बनाए हैं बस, और कुछ ज़्यादा आइटम्स नहीं बनाए हैं आज के लिए। और मम्मी, नूतन और मेरा तो आज फर्स्ट है, तो हम कुछ भी खाना पीना हम नहीं करेंगे, कल ही करेंगे जो भी करेंगे। तो अभी जो है सेजू का ना क्लास ख़त्म हो चुका है, 10 AM हो चुका है, तो ये दोनों साथ में मिलकर खाना खा रहे हैं, और सेजू अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहन सकती है, बाद में कर लीजिए। तो चलिए इसको खाना खाने में देते हैं, फिर उसके बाद ना सेजू देखिए टीवी देखते कि ये लोग खाते हैं, आपको देखते हैं, और उसके बाद ना देखिए सेजू की पहन आई है, तो उसके साथ तीनों मिलकर खेल रहे हैं, और सबसे पहले हील देखिए कीड़े हील मरी छे पौड़ी जी को सुना साक्षी नॉटिकल लंच का टाइम भी हो गया है, और सेजू और साक्षी नहा भी आ चुके हैं, तो ये रेडी है सेजू और साक्षी का लंच, उसके साथ ये चिप्स खाएंगे, दोनों के लिए चिप्स भी रेडी है। और ये दोनों बोले कि उन्हें पापड़ आज नहीं खाना है, तो बाकी लोगों के लिए हम पापड़ बना देंगे। तो सेजू तो अपने हाथों से ही खा लेती है, साक्षी को थोड़ा खिलाना पड़ता है। वैसे तो साक्षी दाल चावल खाना पसंद नहीं करती है, बहुत कम ही खाती है वो, इतना मतलब उसको कार्टून दिखाना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता है, तब जाके वो खाना खाती है। और ऐसे ये लोग खाना खाने के बाद ना थोड़ा खेलने लगे दोनों बहन, कंचा मतलब क्या है, कंचा मतलब क्या, चोरी से क्या करोगे, चोरी से चोरी से क्या क्या करोगे बताओ बहन, पहले कैसी बोल रहे हो ना, कैसी कंचा कैची से जो काटते हैं सीजर,
तो क्या काटोगे आप? अरे ओए साक्षी, ओ साक्षी सुने नहीं। अरे क्या बोल छे सुन ए मेरी ओए मेरी बेटी का ए साक्षी क्या नहीं सुन रहे तो गाइस अभी बच गया है 3:30 PM तो अभी सुजु का और एक क्लास है वो शुरू हो चुका है। फिर इसके बाद ना 4:30 को उसका ट्यूशन रहता है। जो आपका क्लास ख़त्म हो गया, अभी आप कहाँ जा रहे हो? तो गाइस अभी हो चुका है 4:30। मम्मी मैं और नूतन मिलके जा रहे हैं तालाब, वहाँ पे पूजा करेंगे। सो गाइस हम अभी निकल चुके हैं घर से, तो हम सब मिलके जा रहे हैं तालाब, वहाँ पे पूजा करते हैं इवनिंग में। और बाद में हम ये वाला पूजा ना और एक बार होता है, वो सुबह सुबह होता है 5 बजे, यानी कि कल होगा 30 सितंबर को। तो सुबह सुबह ये वाला पूजा और एक बार करते हैं 5 बजे आके। तो ये तालाब में होता है और तालाब के दूसरे तरफ ना वहाँ पर भी पूजा हो रहा है, उधर में उधर जो लेडीज है वो लोग पूजा कर रहे हैं। तो ये हमारे घर के पास में ही है ये वाला तालाब। सो गाइस डिनर भी रेडी हो चुका है और हम सब तीनों रेडी है पूजा के लिए, तैयार है बिल्कुल। तो अभी हम पूजा करने जाएंगे, तो कहाँ पर हम पूजा करते हैं और कैसा कैसा पूजा होता है, पूजा का जो विधि है वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो अभी हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए और ये हमारे घर के पास है। तो ये देखिए बच्चे सब अंदर जा रहे खेलने के लिए, और जो पूजा है ना इसमें ढेर सारे बच्चे आते हैं और सब मिलकर ना ढेर सारे मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो लोग खेलते हैं वहाँ पर। और आज से जो का काफ़ी सारा होमवर्क भी है, पता नहीं वो कब करेगी, जब हम घर जाएंगे तो मैं करवा दूँगी उससे। तो अभी पूजा शुरू हो चुका है, इसे बोलते हैं डिबरी पूजा, ये वाला पूजा पहले करते हैं। और इसके बाद बाकी का पूजा शुरू हो जाएगा, तो 1-1.5 घंटा लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और ये वाला पूजा ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कितने सारे लेडीज आए हुए हैं और काफ़ी सारे सबके बच्चे भी आए हुए हैं, जो सब की मतलब अंदर खेल रहे हैं। और आधा तो यहाँ पर भी है, अपने मम्मियों के पास बैठे हुए हैं बच्चे सब। Gracias.
तो गाइस अभी पूजा भी ख़त्म होने ही वाला है, आरती चल रहा है, इसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा, हम घर जाएंगे। और हमें डिनर में ना हमने सब बना लिया है, बस थोड़ा सा रोटी बनाना बाकी है। ये देखिए से जो अपना होमवर्क शुरू कर रही है, ढेर सारा होमवर्क है और उसे काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, और ऐसे करके रात गुजर जाता है। और कल का मैं वीडियो में आपको दिखाती हूँ। और ये है 30 सितंबर और ये मम्मी पूजा कर रहे हैं, उनको आरती कर रहे हैं उनका। तो ऐसे ही होता है पूजीविया में, हर एक मम्मी अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए ये वाला पूजा करते हैं। और ये पूजा करने के बाद ना हम भी पानी पियेंगे और खाना खाएंगे। पूरा एक दिन के फास्ट के बाद हमें खाना खाना है आज। तो वैसे तो थोड़ा वीकनेस भी लगता है, थोड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पूरा दिन रात आपको कुछ खाना पीना नहीं होता है, तो आप समझ सकते हो कि कैसा लगता होगा। फिर भी हर एक माँ अपने बच्चे के लिए ये पूजा करती है, उसके लंबी उम्र के लिए। और मैं भी करती हूँ, नूतन मम्मी सब करते हैं। और ये देखिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी है आज। और सेजू को ना मैं नया कपड़े पहनने के लिए, न्यू वाला जो कपड़ा है ना उसका पहनने के लिए नहीं दी, बिकॉज अभी इसका क्लास भी शुरू हो जाएगा 8 बजे, और 8 बजने के लिए बस 5 मिनट बाकी है। तो इसलिए मैं उसको बोली कि स्कूल ड्रेस में ही चलो, मैं तुम्हें आलती कर देती हूँ और बाद में तुम नया वाला पहन लेना। तो साक्षी पहनी है उसका नया ड्रेस। तो ये देखिए दोनों कैसे कर रहे हैं। तो मैं साक्षी और सेजू के लिए ड्रेस लाई थी, वो वाला उसको दे दी, और नूतन भी लाई है साक्षी और सेजू के लिए। तो आज का जो ब्लॉग है ना यहीं पे ख़त्म होता है। ज़रूर बताना आप सब कि आपको आज का ब्लॉग जो है पोज यूतिया वाला ब्लॉग कैसा लगा। जल्दी खो क्लास अच्छी ना।